है और मैं नोएडा यूपी से बिलोंग करता हूँ। एनबी शॉपी को करते हुए मुझे लगा हमारे अप्लाइंट भी, उनका नाम है मिस्टर अमृतकर बीकानेर राजस्थान से, और जो हमारे ग्रेट अप्लाइंट हैं उनका नाम है मिस्टर वासिद अली सर। तो जैसा कि सर ने अभी जो सारी चीज़ें बताई, कहीं ना कहीं अगर हम लोग उन चीज़ों पे फोकस करेंगे तो हमें 100% ये बिलीव है कि हम अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं और हम इस बिजनेस में भी सक्सेस हो सकते हैं। तो जैसे कि सर ने अभी बताया कि आखिर इस इंडस्ट्री में प्रॉब्लम क्यों आती है या फिर इस इंडस्ट्री में लोग क्यों असफल हो जाते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से लोग असफल हो जाते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा क्लियरली, जो कि कहीं ना कहीं सभी लोगों को समझने की ज़रूरत है, और वो ये है कि सक्सेस सभी होना चाहते हैं लेकिन सक्सेस सभी नहीं हो पाते हैं। दो बातें यहाँ पे कि सक्सेस सभी होना चाहते हैं लेकिन सक्सेस सभी नहीं हो पाते हैं, इसके बीच का जो पोर्शन होता है वो होता है लर्निंग का। व्यक्ति कहीं ना कहीं लर्निंग नहीं करता है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं असफल होता है, लेकिन जो व्यक्ति सफल होता है अगर देखा जाए तो उसका लर्निंग का जो रेशियो है वो कहीं ना कहीं असफल लोगों से ज़्यादा होता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं हमें लर्निंग को फोकस करना चाहिए। देखिए सारे के सारे हमें पॉइंट समझने होंगे इस इंडस्ट्री के। जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ सर जो भी ट्रेनिंग करते हैं, कहीं ना कहीं मैं ट्रेनिंग में सीखने के लिए ज़रूर आता हूँ। मेरा एक ही मिशन और विज़न ये है कि सारे के सारे लोग पैसे कमाएं जो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से, अभी इस समय जो देखा जाए समय, क्योंकि कोरोना के बाद का जो सिचुएशन है कहीं ना कहीं बहुत भयानक है, लोगों को पैसे की बहुत प्रॉब्लम हो रही है हर चीज़ को लेकर, क्योंकि जॉब का भी रेशियो मार्केट से लगभग ख़त्म होता जा रहा है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, आखिर लोग इस इंडस्ट्री में आने के बाद फेल हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? कई सारे लोग, आज मैंने देखा एक ग्रुप में पता नहीं कितने कमेंट किया है कि भाई हमने पूरी साल में इतना कमाया, लेकिन अगर उनका देखा जाए तो उन्होंने खुद पेयर की मैचिंग नहीं कर पाई। तो प्रॉब्लम क्या है कि ये उस माइंड सेट से आए थे कि भाई हमारा ऑटो कॉल आ जाएगा, लेकिन दोस्तों अगर मैं बताऊँ तो इस इंडस्ट्री कितना, मुझे नहीं लगता कि और कोई प्लान होगा जहाँ से आप सक्सेस हो सकते हैं। अगर यहाँ से भी नहीं हो पा रहे तो आप कहीं से नहीं। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर करने के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर लोग यहाँ क्यों असफल होते हैं। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमें होस्ट बना दीजिएगा जिससे कि मैं स्क्रीन शेयर करके क्लियर ये बता पाऊँ कि आखिर क्यों लोग असफल होते हैं। ओके सर, थैंक यू। आपको होस्ट बना दिया गया है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सर आप अपने माइक को अनम्यूट ही रखना, वसीम सर आप अपने माइक को अनम्यूट ही रखना क्योंकि वो लोग का सिस्टम है। तो आप यस नो का जवाब देते हैं। ओके ओके ओके। तो सर क्या मेरी स्क्रीन शो हो रही है? यस यस सर। ओके सर ओके। चलिए देखिए मैं यहाँ पे कुछ पीडीएफ हैं जो कि मैंने ट्रेनिंग सेशन के लिए ऑलरेडी डिजाइन कर रखा है, तो मैं सबसे पहले इन पीडीएफ के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि आखिर लोग क्यों असफल होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमें इन पॉइंटों पे कहीं ना कहीं हमें सोचना विचार करना चाहिए कि आखिर क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग असफल होते हैं। सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो है जो आपके मोबाइल की जो स्लाइड है उसे थोड़ा रोटेट कर लीजिएगा, तभी कहीं ना कहीं ये पीडीएफ पूरा आपको शो होगा। सर पीडीएफ शो हो रही है? जी सर, यस। ओके। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे सभी लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि 90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों छोड़ देते हैं। कई सारे लोग आते हैं लेकिन बाद में छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन क्यों छोड़ के चले जाते हैं उसका रीजन होता है, या कर नहीं पाते या असफल हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं उसका रीजन है। पॉइंट नंबर वन की मैं बात करूं तो जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे, लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग का विजन मालूम नहीं होता। यानी इस इंडस्ट्री में अगर आ रहे हैं तो इस इंडस्ट्री को करने से उन्हें मिलेगा क्या, ये उन्हें मालूम नहीं होता, और उनका विजन और मिशन क्लियर नहीं होता कि आखिर हम ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले लोग इस वजह से जो है फेल हो जाते हैं। भाई अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको ये क्लियर पता होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ पे है, कितने समय में जाना है, ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप एक लीडर हैं तो लीडर के अंदर तीन क्वालिटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंसिस्टेंसी।
अगर तीन में से एक भी पॉइंट क्लियर नहीं है तो कहीं ना कहीं आप सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप अपनी दुकान भी चलाते हैं तो आपको ये क्लियर पता होता है कि आपके पास अभी इन्वेंट्री कितनी है, कितना हमारा सेल आउट हो चुका है और हमारी जो है सेल कितनी चल रही है, कितना हमारा टारगेट है, कितना हमारा शॉर्ट हो रहा है, हर चीज़ हमें मालूम होती है सिर्फ महीने का 50 से 60 हज़ार रुपये दुकान से कमाने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही व्यक्ति इस इंडस्ट्री में आता है उसे क्लियर ये नहीं पता होता है कि हमें अगर डायमंड बनना है, हमें सिल्वर स्टार बनना है, अगर हमें जो है रूबी स्टार बनना, कुछ भी कोई भी लेवल हो, अगर आपको ये अचीव करना है तो हमारी कितनी आइडिया आ चुकी हैं, कितनी आइडिया हमें और करनी, कितने समय में करनी, ये आइडिया आएंगी तो कैसे आएंगी, कहीं ना कहीं हमारा ये पोर्शन क्लियर नहीं है जिसकी वजह से लोग इस इंडस्ट्री में फेल हो जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ पॉइंट नंबर टू की। जैसा कि आप देख सकते हैं सभी कंपनी, सॉरी माफी चाहूंगा, यहाँ पे पीडीएफ में थोड़ी मिस्टेक है, सही कंपनी कैसे चुने ये उनको मालूम नहीं होता है। एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, जब लोग कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो उन्हें ये क्लियर नहीं होता है कि सही कंपनी हम कैसे चुने, वो गलत कंपनियों में चले जाते हैं, लोग इसकी वजह से भी इस इंडस्ट्री में फेल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि फर्स्ट टाइम में, देखिए एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पे, फर्स्ट टाइम में आपको कोई भी कंपनी मिल सकती है, आपको नहीं पता होता है प्लान क्या है, किस तरीके से पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, आपको नहीं पता है, आप कोई भी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन जब सेकेंड टाइम में आप कंपनी ज्वाइन करते हैं उस समय आपको नॉलेज होता है, प्लान का भी नॉलेज होता है, किस तरीके से पैसा दे रहा है, ये आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। और जिनको फर्स्ट टाइम में अगर एनवी शॉपी मिल गया है तो मैं दोस्त आपको रियल बताना चाहूँगा, आपकी किस्मत बहुत ही बढ़िया है क्योंकि आपको ये प्लेटफॉर्म फर्स्ट टाइम में मिला है। मुझे सेकंड टाइम में मिला है, इससे पहले मैं किसी और कंपनी में था, मुझे नहीं पता था नेटवर्क। लेकिन अगर आपको फर्स्ट टाइम में एनवी शॉपी मिला है तो मैं इतनी गारंटी जरूर दे सकता हूँ कि आपको ये प्लान छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने फोकस किया तो, क्योंकि बिना फोकस के आप किसी भी इंडस्ट्री में सक्सेस नहीं होते, नेट मार्केटिंग छोड़ ही दे। क्लियर है? तो लोगों को सही कंपनी कैसे चुने उन्हें ये नहीं पता होता, इसलिए गलत कंपनियों में चले जाते हैं, इस वजह से भी फेल हो जाते हैं और कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं। पॉइंट नंबर तीन है कि नेट मार्केटिंग से हमें क्या मिलेगा ये उनको मालूम नहीं होता। इस इंडस्ट्री में काम करने से उन्हें मिलेगा क्या, लोगों को ये कहीं ना कहीं पता नहीं, इस वजह से भी फेल होते और इसीलिए छोड़ के चले जाते। अगर मैं एग्जांपल के लिए बताऊं कि अगर कोई दीवार है उसके अंदर खजाना छिपा हुआ है और मैं आपसे बोलूं कि आप इस दीवार को तोड़ दो तो सामने वाला व्यक्ति क्यों तोड़ेगा? जब तक हम उसे बताएंगे कि नहीं कि इसको तोड़ने से मिलेगा क्या, तब तक वो नहीं करेगा, क्योंकि बिना कारण के कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है। तो इसी तरीके से जब तक आपको क्लियर ये पता ही नहीं होगा इस इंडस्ट्री को अगर हम कर रहे हैं तो इससे हमें मिलेगा क्या, ये आपको पता ही नहीं है। और ये चीज उन लोगों को नहीं पता होगी जो व्यक्ति ट्रेनिंग में नहीं आते, जो व्यक्ति ट्रेनिंग अटेंड नहीं करेगा उन्हें ये क्लियरली ये सारी चीजें नहीं पता लगेंगी, क्योंकि ये कि लर्निंग का पॉइंट है और जो व्यक्ति लर्निंग नहीं करेगा उसे ये चीजें नहीं पता है, इसकी वजह से भी फेल लोग होते हैं। और अगर आप ये गलती आप भी कर रहे हैं तो आप भी कहीं ना कहीं फेल हो सकते हैं। अगला पॉइंट है कि उन्हें मालूम नहीं होता है कि नेटवर्क कैसे बनाना है, यानी जो भी व्यक्ति इस इंडस्ट्री में ज्वाइन होता है तो उसे कहीं ना कहीं ये पता नहीं होता है कि नेटवर्क हम कैसे बनाएं, इसकी वजह से भी व्यक्ति फेल हो जाते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, उनको क्लियर ही नहीं है। और क्लियर क्यों नहीं है, क्योंकि व्यक्ति मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, आईडी लगा दिया, घर पे बैठे हैं, सोच रहे पैसा आएगा, सर ऐसे कहीं पैसा नहीं आएगा। अगर आप नौकरी करने जाएंगे वहाँ भी 8 घंटे आपको काम करना पड़ेगा तभी पैसा आता है। लेकिन इतना बोलना चाहूँगा जैसे कि वासिष सर बताते हैं कि आपके पास 4 घंटे बचते हैं सब कुछ करने के बाद, 4 घंटे बचते हैं, 2 घंटे और ले लें, 2 घंटे भी अगर समय देगा तब भी हो। लेकिन अफसोस इस बात का है कि लोग 2 घंटे भी नहीं देना चाहते, माइंड सेटअप कुछ इस तरीके से हो रखा है कि अगर इनके पीछे कोई डंडा लेके खड़ा ना हो तब तक ये काम नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम अगर इस इंडस्ट्री में आए तो हमें अपनी ये मेंटेलिटी हटानी पड़ेगी और एक बिजनेसमैन की मेंटेलिटी अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, तभी हम इस सिस्टम से पैसा बना सकते हैं। एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, इस इंडस्ट्री में आप बाई चांस आ तो जाते हैं लेकिन बाई चांस सक्सेस नहीं होंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आप बाई चांस आ तो जाएंगे लेकिन बाई चांस सक्सेस नहीं होंगे, सक्सेस आप जानबूझ के ही होंगे। तो इसलिए आप अपनी एक्टिविटी पे फोकस करिए और उसके अकॉर्डिंग काम करिए। पॉइंट नंबर अगला है कि उन्हें मालूम नहीं होता है लिस्ट और गोल कैसे बनाने हैं, यानी जो भी व्यक्ति इस इंडस्ट्री में अगर फेल हो रहा है तो उसे ये क्लियर पता ही नहीं है कि प्रोस्पेक्ट लिस्ट हो गया, ड्रीम लिस्ट हो गया, कैसे बनाना है, गोल कैसे बनाना, उनको ये पता ही नहीं है। और पता क्यों नहीं है, क्योंकि वो ट्रेनिंग में नहीं आते, अपलाइन लिंक भेजते हैं
लेकिन वो ट्रेनिंग में नहीं आते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो इस इंडस्ट्री में फेल हो जाते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर अगला है कि उन्हें मालूम नहीं होता है कि फॉलो अप प्रेजेंटेशन कैसे करें। कई सारे लोग होते हैं जिनको ये नहीं पता है कि हमें फॉलो अप कैसे करना है, हमें प्लान प्रेजेंटेशन कैसे करना है, उनको नहीं पता है, जिसकी वजह से वो जो है सक्सेस नहीं हो पाते। और ये चीजें पता क्यों नहीं है, क्योंकि वो ट्रेनिंग में नहीं आते। ट्रेनिंग में नहीं आएंगे तो आप इन चीजों को सीख नहीं सकते, क्योंकि एक लर्निंग पॉइंट है, जब तक लर्निंग नहीं होगी तब तक अर्निंग भी नहीं होगी। पॉइंट नंबर अगला है, उन्हें मालूम नहीं होता है कि अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में रिलेशन कैसे रखने हैं। मैं बताना चाहूंगा, एक डाउनलाइन की मैंने अभी प्रॉब्लम देखी, वो ये की बात बोले कि सर जो हमारे अपलाइन है वो खुद ही शॉपी से सामान नहीं खरीद रहे, जबकि डाउनलाइन खरीदते उससे जो उनका रिपर्चेज बनता है उससे जाके शॉपिंग करके आ रहे हैं। सोचिए, अगर आप एक लीडर हैं और आपको अगर आपके अंदर ये हरकत है तो सोचिए क्या आप अपनी डाउनलाइन को बताएंगे जब आप खुद ही रिपर्चेज नहीं कर रहे, जबकि शॉपी भी आपके पास है। लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ शॉपी नहीं इसलिए काम नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, जहाँ शॉपी है लोग वहाँ पे भी ये गलतियां कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनके रिलेशन डाउनलाइन से खराब हो रहे हैं। ठीक है, तो उन्हें ये क्लियर पता ही नहीं है कि अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में हमें रिलेशन कैसे रखने हैं, इस वजह से भी लोग इस इंडस्ट्री में फेल होते हैं। और अगर आप भी ये गलती करेंगे तो 100% लिखवा के ले लीजिए, आप भी इस इंडस्ट्री में फेल हो जाएंगे, ये बिल्कुल रियलिटी है। पॉइंट नंबर अगला है कि उन्हें मालूम नहीं होता है कि कौन सी किताबें पढ़ना है। आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले मैं थोड़ा अपना बैकग्राउंड बता दूं कि मैंने पॉलिटेक्निक किया था, सन 2014 में मैंने एडमिशन लिया था गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मैनपुरी के अंदर। 3 साल का मैंने डिप्लोमा किया। ध्यान से सुनना इस चीज को, मैं क्यों बता रहा हूं कि ये इंडस्ट्री क्या आपको दे सकती है। मैंने 3 साल का डिप्लोमा किया, 1.5 लाख रुपए मैंने 3 साल में खर्चा किया, और उसके बाद नोएडा के अंदर सेक्टर 67 में मुझे जॉब मिली थी 9,000 रुपए की। सोचिए जरा, 3 साल मैंने पैसा खर्च किया, उसके बाद मैंने 3 साल का समय खर्च किया, उसके बाद 9,000 रुपए की इनकम। तो आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं, अगर एनबी शॉपी के अंदर आप 799 1199 अगर कोई भी आप ज्वाइनिंग पैकेज लेके बिजनेस करते हैं तो आप सोचिए कि आप यहाँ 3 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। आप देख सकते हैं अपनी कंपनी के अंदर कि जो है 2 साल के अंदर लोग कितनी इनकम पे जा रहे हैं। आप देखिए अपने अपलाइन को, कहीं ना कहीं जो व्यक्ति लर्निंग करेगा वही जा पाएगा, जो नहीं करेगा वो नहीं जा पाएगा। तो अगला हमारा जो पॉइंट है, लोग क्यों फेल होते हैं, कि उन्हें लोगों से बात करने का तरीका मालूम नहीं होता है। आपने बिजनेस ज्वाइन कर लिया लेकिन आपको ये नहीं पता है कि अपने प्रोस्पेक्ट से आपको बात कैसे करनी है, आपको क्या पहले बोलना है, आपको पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि आप ट्रेनिंग में नहीं आते हैं, और दूसरी बात, आपको कम्युनिकेशन स्किल नहीं आती है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं आप अपना बिजनेस डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, और जब इनकम नहीं आएगी तो कहीं ना कहीं आप भी निगेटिव हो जाएंगे। इसलिए अगर बिजनेस करना है तो प्रॉपर इन चीज़ों को फॉलो करिए, इन पे काम करिए, सफलता तभी मिलेगी। क्योंकि बातों से अगर किसी को पैसे आ जाते तो आज दुनिया लखपति होती, करोड़पति होती। ठीक है, तो हमें लर्निंग पे ध्यान देना है। जितनी मैं आपको बताना चाहूँगा, एनवी शॉपी के अंदर जितनी मीटिंग चल रही है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी कंपनी के अंदर इतना मीटिंग चलता होगा आप सभी लोगों के लिए। 3 बजे भी मीटिंग है, 4 बजे ट्रेनिंग मीटिंग है, उसके बाद 8 बजे प्लान शो फिर होता है, उसके बाद 9 बजे फिर हो रहा है। सोचिए, कोई कंपनी आपको इतना प्रोवाइड नहीं करेगी। पॉइंट नंबर अगला है कि लोग इसे लॉटरी समझ के ज्वाइन कर लेते हैं। जैसा कि आज ग्रुप में एक पोस्ट आया था, सर ने उस पर कमेंट किया, तो जो वो व्यक्ति ये सवाल कर रहा था कि 1 साल मुझे इतना ही पैसा आया, वो लॉटरी समझ के आया, मैं 100% बता रहा हूँ। अगर कोई भी व्यक्ति इस इंडस्ट्री को ये समझ के आ रहा है कि भाई लॉटरी हमने आईडी लगा ली करोड़पति बन जाएंगे, तो दिमाग से ये फितूर निकाल देना, क्योंकि ये चलता है आपका इन्वेस्टमेंट प्लान में, और उनकी कोई गारंटी नहीं होती कब चल रहा कब चला गया। कई सारी कंपनियों के मैं नाम गिना सकता हूँ जो पैसा लेके चले गए, आज भी बैठे रो रहे हैं कि मेरा इस कंपनी में 50,000 चला गया, मेरा इस कंपनी में 1 लाख गया। क्यों? क्योंकि उनको कुछ करना नहीं है, फ्री का आ जा, फ्री के चक्कर में लोग परेशान हैं और अपना पैसा गवा के बैठ रहे हैं। तो मैं सभी लोगों से एक ही बात बोलना चाहूंगा कि इसे लॉटरी समझ के ज्वाइन मत करिए, ये बिल्कुल जेन्युइन कॉन्सेप्ट है। आप अगर इसे थोड़ा गहराई से समझें, आप यहाँ से बहुत बड़ी इनकम कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड, लेकिन रिक्वेस्ट एक ही है कि चीजों को समझने की कोशिश करिए आप। तो लॉटरी समझ के इस बिजनेस को मत करिए, नहीं तो आप यहाँ से नहीं कमा पाए। तो इस तरीके से मैंने आपको क्लियर बता दिए 10 पॉइंट हैं, जो कि मैंने 1 बाय 1 करके बता दिए। अगर किसी को इसमें किसी को अगर कोई डाउट हो
तो मुझे बताइएगा, जिससे कि मैं अगर किसी का कोई डाउट होता है तो दोबारा से उस पॉइंट को मैं क्लियर करना चाहूंगा। किसी का डाउट है तो मुझे बताइए फटाफट, क्योंकि